क्या आप जानते हैं वुड यू बी सो गुड एज टू या वुड यू बी सो काइंड एज टू का इस्तेमाल क्या है? फ्रेंड्स, अक्सर हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं मेहरबानी करके या कृपा करके, जैसे क्या आप मेहरबानी करके गेट खोल देंगे या क्या आप कृपा करके गेट खोल देंगे, या फिर आप ये कहते होंगे क्या आप कृपा करके एक कप कॉफी लेंगे या क्या आप मेहरबानी करके एक कप कॉफी लेंगे, क्या आप मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या क्या आप कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस जहां आप कहते हैं मेहरबानी करके या कृपा करके को बोलने के लिए आप इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो क्या आप मेहरबानी करके दरवाजा बंद करने की कृपा करेंगे या क्या आप दरवाजा बंद करने की मेहरबानी करेंगे या क्या आप दरवाजा बंद करने की कृपा करेंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विल यू क्लोज द डोर प्लीज। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं वुड यू क्लोज द डोर प्लीज। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को वुड यू माइंड की मदद से भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा, अगर आप वुड यू माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो वुड यू माइंड के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो क्या आप मेहरबानी करके दरवाजा बंद कर देंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। तो आपने देखा कि यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में वुड यू माइंड के बाद बोला आईएनजी फॉर्म। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस को आप विल यू या वुड यू की मदद से बोलेंगे तो आपको लास्ट में प्लीज बोलना होगा। अगर आप चाहें तो इस तरह के सेंटेंसेस को वुड यू बी सो गुड एज टू और वुड यू बी सो काइंड एज टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। जैसे क्या आप मेहरबानी करके दरवाजा बंद कर देंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वुड यू बी सो गुड एज टू क्लोज द डोर। आप ये भी कह सकते हैं वुड यू बी सो काइंड एज टू क्लोज द डोर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जहां कहते हैं क्या आप मेहरबानी करके इसे कर देंगे या क्या आप कृपा करके इसे कर देंगे को बोलने के लिए आप इनमें से किसी एक टॉपिक का इस्तेमाल कर अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। आप चाहें तो अपने टॉपिक को विल यू या वुड यू या वुड यू माइंड या वुड यू बी सो गुड एज टू या वुड यू बी सो काइंड एज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को और आसानी से समझ सके। क्या आप मेहरबानी करके एक गाना गाएंगे या क्या आप कृपा करके एक गाना गाएंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विल यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज। आप ये भी कह सकते हैं वुड यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं वुड यू माइंड सिंगिंग अ सॉन्ग। और अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं वुड यू बी सो गुड एज टू सिंग अ सॉन्ग या वुड यू बी सो काइंड एज टू सिंग अ सॉन्ग। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए विल यू, would you माइंड, would you बी सो गुड एज टू और would you बी सो काइंड एज टू का इस्तेमाल करके आपने अपने सेंटेंसेस को बोला। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या आप मेहरबानी करके मुझे 10 रुपये देंगे या क्या आप कृपा करके मुझे 10 रुपये देंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विल यू गिव मी 10 रुपीज प्लीज। आप ये भी कह सकते हैं वुड यू गिव मी 10 रुपीज प्लीज। आप ये भी कह सकते हैं वुड यू माइंड गिविंग मी 10 रुपीज, यानी क्या आप कृपा करके या मेहरबानी करके 10 रुपये देंगे। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को वुड यू बी सो गुड एज टू या वुड यू बी सो काइंड एज टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं क्या आप मेहरबानी करके यह करेंगे या क्या आप कृपा करके यह करेंगे को बोलने के लिए इनमें आप कोई भी टॉपिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आप विल यू या वुड यू का इस्तेमाल करेंगे तो लास्ट में आप बोलेंगे प्लीज, और अगर आप वुड यू माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो वुड यू माइंड के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।